The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi, Namaste, mere pyare bachcho. हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे, तो मैं आपको पहले हिंदी में कहावत सुनाती हूँ। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब पता है आपको? जैसा हम करते हैं वैसा हमें भुगतना पड़ता है। जैसा हम काम करते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। इंग्लिश में कहते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप, है ना। सो मतलब सीड हम डालते हैं ना सॉइल में, सोइंग द सीड। तो हम अगर हम अच्छे सीड डालेंगे, अच्छी बीज डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा, अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा, है ना। तो वैसे ही अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर हमें फ्यूचर में अगर सुख से रहना है, हैप्पी होके रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं आज हिंदी। तो हिंदी हमने पिछली बार एक कविता पढ़ी थी, बबुआ और बूढ़ा, याद है आपको? क्या आपने कविता पढ़ी अपने टेक्स्ट बुक से? नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिए, ओके। बहुत प्यारी कविता है, उसमें बबुआ और बूढ़ा, एक दादाजी, बूढ़े दादाजी हैं और एक बच्चा है, तो दोनों बात कर रहे हैं, है ना। दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों कैसे हैं? आर दे हैप्पी? नो, बोथ ऑफ देम आर सैड, है ना। दोनों उदास हैं। क्यों उदास हैं? क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। देर इज़ नो वन टू केयर फॉर देम, देर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर देम, isn't it? So both of them are complaining about it. Okay, so today we are going to do some activities based on that poem. So ready? Chale, kare? Apni file, kitab sab rakhiye hath mein. Okay? To bachcho, ye dekhiye sawal, aapki kitab mein hai ye sawal, poem ke niche likha hai box mein. Sawal kya hai? Bacche rote hain, boodhe bhi. क्या दोनों के रोने का कारण समान है? विचार करें। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? बच्चे रोते हैं, बूढ़े भी। हाँ, चिल्ड्रन क्राई एंड बूढ़े भी, ओल्ड एज पीपल ऑल्सो क्राई। क्या दोनों के रोने का कारण समान है? इज़ द रीज़न ऑफ क्राइंग सेम फॉर बोथ ऑफ देम? समान कारण मतलब रीज़न, समान सेम, सेम है दोनों का रोने का कारण, सेम है। विचार करें, यू हैव टू थिंक एन आंसर, ओके। तो देखिए, बच्चे रोते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए, उनको प्यार चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, उसके लिए रोते हैं, है ना। वो बच्चे कैसे रोते हैं? हाँ, दे क्राई सो लाउडली सो दैट दे कैन टेक द अटेंशन ऑफ अदर्स, है ना। बूढ़े भी रोते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, दादाजी दादी सब हैं, वो भी फील करके रोते हैं। वो बच्चों जैसे नहीं रोते हैं, बट दे क्राई साइलेंटली, दे फील एंड दे बिकम सैड एंड दे क्राई साइलेंटली, इज़न्ट इट? दे वोंट क्राई लाउडली लाइक चिल्ड्रन, बट द रीज़न ऑफ क्राइंग इज सेम, है ना। तो हम आंसर क्या क्या है? रीज़न क्या है? रीज़न है, कोई उनका ध्यान नहीं रखता, नो वन इज़ देयर टू लुक आफ्टर देम बिकॉज ऑल आर बिजी। तो उसके लिए हम आंसर कैसे लिखेंगे? हाँ, दोनों के रोने का कारण समान है। यस, द रीज़न इज सेम। दोनों को दुख है कि कोई उनका ध्यान नहीं रखता। बोथ आर सैड दैट नो वन इज देयर टू लुक आफ्टर देम।
दोनों को दुख है कि कोई उनका ध्यान नहीं रखता. नो वन इज देयर टू लुक आफ्टर देम और केयर फॉर देम, दैट इज देयर सॉरो. ओके, तो ये आपको फाइल में लिखना है. तो बच्चों देखिए, कुछ और सवाल जवाब करते हैं. दूसरा सवाल मैंने लिखा है बोर्ड में, बबुआ से अक्सर क्या गिर जाता है. हमने कविता में पढ़ा है ना, बबुआ से, बबुआ क्या कहता है, मेरा चम्मच अक्सर गिर जाता है, ही ड्रॉप्स द स्पून. सो आंसर कैसे लिखेंगे, बबुआ से अक्सर चम्मच गिर जाता है. ओके, तीसरा सवाल देखिए, बबुआ कैसा बच्चा है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही इज. ही सेइंग नो, बड़ा रुवट्टा बच्चा हूँ मैं. सो दैट इज द आंसर, बबुआ बड़ा रुवट्टा बच्चा है. रुवट्टा बच्चा मतलब रोने वाला बच्चा, है ना, क्राइंग बेबी, विल ऑलवेज क्राई फॉर थिंग्स. ओके, तो बबुआ क्या कहते हैं, बड़ा रुवट्टा बच्चा हूँ. उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, बबुआ क्या गीली कर देता है, क्या गीली कर देता है. ही वेट्स हिज पैंट्स, नो. सो हम कैसे लिखेंगे, हाँ, बबुआ निक्कर गीली कर देता है. अननोइंगली बबुआ विल पास यूरिन एंड ही विल वेट द निक्कर शॉर्ट्स, है ना. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बबुआ निक्कर गीली कर देता है. ठीक है, लास्ट वन, कौन बबुआ पर ध्यान नहीं देते, हु इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ बबुआ. जैसे ना, बड़के हम पर ध्यान नहीं देते, तो वही लाइन हमें आंसर लिखना है. देखिए, बड़के अर्थात बड़े लोग, बड़के मतलब बड़े एल्डर्स, हाँ, लोग बबुआ पर ध्यान नहीं देते. दिस हिज पेरेंट्स आर नॉट लुकिंग आफ्टर हिम. ओके, सो दिस इज द आंसर. सी चिल्ड्रन, ही इज हियर, द चाइल्ड इज कंप्लेनिंग दैट हिज पेरेंट्स आर नॉट लुकिंग आफ्टर हिम. सी वॉट इज हैपनिंग, नो, नाउडेज इट्स लाइक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज, है ना, छोटे हमारा संयुक्त परिवार था पहले, लेकिन अभी अणु परिवार है. तो संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में सब लोग मिलकर रहते थे, दादा दादी नान चाचा चाची या मामा मामी या नाना नानी, तो सब लोग मिलकर रहते थे, तो कोई ना कोई बच्चों का ध्यान रखता था. नो समबडी विल बी देयर टू टेक आफ्टर, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. बट नाउडेज लाइक इट्स न्यूक्लियर फैमिली, सो ओनली पेरेंट्स आर देयर एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग, सो द चाइल्ड इज लेफ्ट अलोन एट होम. ओके, नो वन इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, that is why the child is complaining. Okay, so this it is happening like this. Okay, like that for older people also, their children are not at all finding time to look after the elderly people. Okay, they are also working and no one is at home, so elderly also feeling lonely. Okay, so this poem is ऑलमोस्ट ओवर. नाउ वन मोर थिंग वी विल डू, ये कविता बातचीत के रूप में है ना, तो हम इसका बातचीत लिखेंगे, हाँ, इसका कॉन्वर्जेशन लिखेंगे. तो कविता में जो लाइन है उसी को हम कॉन्वर्जेशन जैसे लिखते हैं. तो देखिए वो कैसे लिखते हैं. बच्चों अगली एक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, वार्तालाप. ठीक है, बबुआ और बूढ़ा का वार्तालाप लिखिए. तो बब्बू और दादाजी जो बात कर रहे हैं उसको हम, उसी पोएम को हम कॉन्वर्जेशन के रूप में लिखते हैं. ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा है. बबुआ, दादाजी अक्सर मेरा चम्मच मुझसे गिर जाता है. तो दादाजी क्या कहते हैं, जाने भी दो, मुझसे भी यह हो जाता है. ओके, सेम लाइन को हमने कॉन्वर्जेशन के रूप में लिखा है. बबुआ, मैं कभी कभी निक्कर गीली कर देता हूँ. आई विल वेट माई पैंट्स. दादाजी, हम भी सूसू कर देते हैं, फिर धोती ढीली करनी पड़ती है. बबुआ, मैं बहुत रुवट्टा बच्चा हूँ. आई एम अ क्राइंग बेबी. दादाजी, मुझे भी बहुत रुलाई आती है. आई ऑल्सो फील लाइक क्राइंग. समटाइम्स आई फील लाइक क्राइंग. बबुआ, बहुत बुरा है, बड़के हम पर ध्यान नहीं देते. हाँ, इट्स वेरी बैड दैट एल्डर्स आर नॉट लुकिंग आफ्टर मी. ओके, बबुआ इज सेइंग दैट, नो, सो ही इज सेइंग दैट डायलॉग. दादाजी क्या करते हैं,
प्यार से, विथ लव ही विल से, मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है तुम जो कहते, आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो वॉट यू आर ट्राइंग टू से. ओके, सो द सेम पोएम वी हैव रिटन इन अ वार्तालाप फॉर्मेट. ओके, सो राइट दिस ऑल्सो इन योर फाइल. सो इतना ही है. तो अगली क्लास में हम एक अगला लेसन पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे. वो एक कविता है, तो वो नई कविता हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. तो आप ये फाइल में सब कंप्लीट करिए और लेसन को रीड करिए, ठीक है. वर्ड मीनिंग्स भी आपको लिखना है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.